मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सभी लोग हमेशा इधर रॉक कर रहे होंगे। तो ये है अपना खजाना। खजाना क्या है? ये खजाना सिर्फ मेरी ही है तो, और एक ये भी है कुछ है। ये भी कुछ है। तो जो आज का व्लॉग है वो इन सब चीज़ों को लेके नहीं है, वो है सिर्फ इसको लेकर। दिखा दो भाई। तो ये क्या है, आपने मेरे एक व्लॉग में देख ली होगी, मैंने लिया था न्यू हेलमेट। तो हेलमेट जो मेरे था ना, वो था पूरा, मेरे को दिखाओ। तो जो हेलमेट था ना मेरा, वो था पूरा ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक में हेलमेट लिया था। तो इस पर कुछ भी स्टिकरिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी। मैं सोच रहा हूँ इस हेलमेट पे अपने चैनल का नाम लिखवा लेता हूँ। तो अभी शॉप पे पता किया तो शॉप खुली हुई है। तो पहले हेलमेट दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। ये अपना हेलमेट देख लो, ऐसा कुछ हेलमेट है। और एक दो वाइजर भी एक्स्ट्रा। तो इस ये वाइजर भी अभी लेके जाऊँगा मैं, क्योंकि वाइजर के ऊपर भी मैंने अभी कुछ स्टिकरिंग करवानी है। चिकन के मतलब नाम ही लिखवाने हैं। तो चलो फिर चलते हैं, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं शॉप पे। तो अनन्या जा रहा अंदर हेलमेट लेकर। तो दिखाते हैं भैया को क्या क्या है, अभी रैपिंग का भी करवाना है। तो चलते हैं अंदर, ठीक है, दिखाते हैं फिर आपको सब कुछ। तो फाइनली दोस्तों हो चुका है यहाँ पे काम स्टार्ट। हेलमेट अभी कुछ ऐसा लग रहा है, और उसके बाद जो लुक होगी अभी वो भी दिखाऊंगा, ठीक है आपको मैं। तो पहला जो स्टिकर प्रिंट हो रहा है वो हो रहा है शोई का। इसका आज हम लोगो ही चेंज कर देंगे, स्टेट से इसको शोई बना देंगे, ठीक है ना। तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है, और इसके बाद आपको मैं लुक दिखाऊंगा, ठीक है भैया। ठीक है, बस ठीक है, ठीक है ना। तो भाई लोग ये अपना पहला स्टिकर लग चुका है, डन। ये आ गया अपना शोई पीछे, और ये आ गया अपना शोई सामने। तो लग रहा ना हेलमेट सेक्सी। तो फाइनली दोस्तों लोकेशन हो चुकी है चेंज, क्योंकि जो हमें काम था दुकान पर हेलमेट पे जो स्टिकर्स लगवाने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, वो स्टिकर भी लग चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आज जो हुई है ना, मौसम बिल्कुल चेंज हो गया। सबसे पहले मैं आपको मौसम दिखाता हूँ और फिर हेलमेट, ठीक है। तो पहले मौसम देखो। भाई कैसा लग रहा है? तो फ्रेंड पे मैंने शोई बोल रहा हूँ, तो फ्रेंड में मैंने स्टड को हटा के शोई लगा दिया, और यहाँ पे हमने चैनल का लोगो, चैनल का नाम लिखवाया। तो ये सामने मेरा लगा चेन माउंट। तो फ्रेंड से इसकी कुछ ऐसी लुक आ रही है, और बैक साइड से साइड की बात करें, साइड पे मैंने कुछ नहीं किया। और बैक साइड से सबसे पहले अपना एयर मैविक्स शोई का स्टिकर, और ये देखो कितना सही लग रहा है यार। ऊपर मैंने ये बैटमैन का लोगो भी किया, एक जैसे स्टिकर लगवाया। तो ये सारे स्टिकर्स मैंने कटआउट करके लगाए हैं, तो खुद नहीं लगाए हैं, शॉप वाले से लगवाए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको हेलमेट? तो लुक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होगी हेलमेट की, है ना। देख लो, तो कैसा लगा आपको ये हेलमेट मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। तो अभी मैं आपको ये हेलमेट डाल के भी दिखाता हूँ, तो कैसा मेरे पे ये लग रहा है ऐसे स्टिकर्स के साथ, ठीक है। तो फ्रंट से तो मैंने जस्ट शो यू एयर मैविक्स लिखवाया, और बात करें बैक साइड की, बैक साइड पे आ गया ये, पता नहीं विजिबल हो रहा है नहीं, बैटमैन का लोगो, शोई का लोगो, और अपने चैनल का लोगो, लोगो क्या स्टिकर जस्ट नाम लिखवाया, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको ये डाल के दिखाता हूँ, ठीक है, 1 2 3। सो फाइनली दोस्तों अभी हेलमेट डालते कुछ ऐसा लग रहा है। तो मेरी ऑडियो पता नहीं अभी आ रही है या नहीं। फ्रंट से हेलमेट लग रहा है कुछ ऐसा, और बैक साइड ऐसा देख लो। तो ये लोगो कैसा लग रहा है? तो ये बैटमैन का लोगो कैसा लगा मुझे बताना नीचे कमेंट करके, ठीक है। तो अब यार एक दो सीन और भी हैं इस हेलमेट के साथ। इसका जो माइक था ना, इस माइक में कुछ इशू आ रहा है। जैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो सारी साउंड बिल्कुल प्रॉपर आ रही है,
बट कुछ 10-15 सेकंड्स के बाद ये खाली मेरी ऑडियो कैच कर रहा है, बाहर की सराउंडिंग की नहीं, जैसे बाइक की साउंड है या वो, ये कुछ भी कैच नहीं कर रहा। तो जो सस्ते माइक है उनमें थोड़ी बहुत यार ये प्रॉब्लम आती है। मैं जो नेक्स्ट माइक यूज़ करूँगा वो होगा बोया का, तो अभी नीचे चलते हैं और इस माइक को भी चेंज करते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है चलो। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ छत से नीचे, क्योंकि यार ऊपर लग रही थी गर्मी और थोड़ा काम चल रहा था, शोर थोड़ा आ जाएगा तो उसको करना एडजस्ट। तो अभी मुझे पता क्या करना है वो दिखाता हूँ। अभी जो मेरा ये हेलमेट है, एक मिनट कवर तो आ दो। हाँ, मेरा जो ये हेलमेट है ना, इसका जो ये माइक है, मैंने ये माइक लगाया था यहाँ पर, ये दिख गया होगा, ये लगा माइक। तो इसके लिए मैं लगा रहा हूँ अब ये माइक बोया का BY-M1। तो पहले से पता नहीं कोई ऐसा ही सस्ता सा ऑर्डिनरी सा माइक लगा हुआ था, तो बट अभी हम ये माइक लगा रहे हैं। तो ये माइक तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पहले का पड़ा था, तो मैंने लगाया इसलिए नहीं क्योंकि इसकी जो वायर है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो इसमें लगाने का चक्कर आता है, बट अब लगानी पड़ेगी क्योंकि यार क्वालिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। तो यार ये रहा हेलमेट, तो इसकी पहले वायर निकालते हैं और फिर इसमें इंस्टॉल करते हैं हमारा ये बोया का BY-M1 माइक, आगे ना। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि ये माइक इसमें कैसे लगाना है। तो फाइनली दोस्तों मैंने इसकी पैडिंग रिमूव कर दी है और ये साइड की कुशन भी निकाल दी हुई है जैसा कि आप देख सकते हो। और ये था पहले एक जो, और ये था माइक जो मैं पहले यूज़ कर रहा था। तो यार ये ना मुझे किसी ट्राईपॉड था गिफ्ट मिला था, फ्री में मिला था, तो मैं पहले यूज़ कर रहा था। तो इस माइक की कॉस्ट खींच की हुई 100 रुपये होगी, तो 100 से ऊपर भी नहीं होगी जिस हिसाब से इसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो अभी हम इंस्टॉल करने वाले हैं ये माइक इस हेलमेट में, ठीक है। तो पहले आप आपको तो अब मैं आपको ये हेलमेट ये तो अब मैं आपको ये माइक खोल के दिखाता हूँ। अब ये तार आपको पता है कितनी बड़ी है, मैं क्या बताऊँ कितनी बड़ी है, 9 फुट लंबी तार है। तो इतनी लंबी तार को कैसे है इस हेलमेट में घुसाएंगे, बड़ा घुसाना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, ठीक है कुछ। तो फाइनली दोस्तों पूरे के पूरे 4.5 घंटे के बाद जाके हमारा हेलमेट रेडी हुआ है, और इतना टाइम क्यों लगा बताता हूँ अभी। बस देख लो ये रहा अपना हेलमेट। तो बाहर से तो कुछ चेंजेस नहीं है, चेंजेस जो भी सारे अंदर से दिखाता हूँ। आप ये माउंट देख रहे हो, ये माउंट इसके स्ट्रैप्स है ना, ये यहाँ पर नहीं है, एक सेकेंड, ये देखो इसके जो स्ट्रैप्स हैं ये यहाँ पर नहीं है। मैंने जो ये पूरा सेक्शन है, ये आपको नट दिख रहे हैं, ये नट्स खोल के ये पूरा मैंने पार्ट निकाला था और फिर ये लगाया ऊपर से, ये जाली लगाई और फिर जाली भी क्या उसको मतलब विंड नॉइस के लिए काम आती है, और फिर ऊपर से मैंने ये इसका जो कैप लगाई। और भाई ये कैप खुल तो गई थी बट ये कैप लगने में इतना ज़्यादा टाइम लगा ना, सारा टाइम ही कैप लिया। और जो अपना ये था, ये देखो सारी बाई साइड फिक्स है। तो माइक मैंने इंस्टॉल कर दिए, ये देखो अपना बोया का माइक। तो अभी चलते एक छोटे से मोटो लॉग पे, क्योंकि मुझे इसकी साउंड की क्वालिटी चेक करनी है कि कैसी आ रही है, और ये शाइन देखो कितना ज़्यादा कर रहा है ना। तो देखो अपना हेलमेट सही लग रहा है ना, तो चलो चलते हैं एक मोटो लॉग पे, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मोटो लॉग पे, तो माइक भी चेंज हो चुका है और हेलमेट भी चेंज हो चुकी है। तो क्वालिटी कैसी आ रही है मुझे नीचे बताओ कमेंट करके भाई। अगर अभी क्वालिटी नहीं आई फिर सच में यार रोड पे शिफ्ट होना पड़ेगा, रोड में तो रोड के माइक्स पर शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि भाई फिर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो अभी एक और रुके, पहले मैं साउंड चेक कर लेता हूँ कि साउंड आ रही कैसी है, ठीक है। तो चलो ऑडियो तो हमने चेक कर लिया, तो देखते हैं वो कैसा है। तो घर जाके जब एडिटिंग होगी ना तब जाके पता लगेगा कि भाई ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। तो चलो चलते हैं ऊपर और फिर देखते हैं, ठीक है। फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम मोड़, और अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है, और बाइक की लाइटें भी बिल्कुल कम हो गई हैं,
और यार अभी एक सीन बन रहा है, मैंने वाइजर लगाया टिंट वाला, तो सामने कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा, हो रहा है बट बिल्कुल ही मुश्किल से। तो अब एक चीज पता लगी है कि जब भी रात को निकलना है हमेशा प्लेन वाइजर डाल के जाना है, आगे जाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जस्ट भाई व्यू देखो यार, देख रहे हो कितना तगड़ा। तो चलो, तो ऑडियो क्वालिटी की बात कर रहा था मैं आपको बता दिया, इसमें माइक का जो कुशन होता ना आगे स्पंज, वो थोड़ा मोटा वाला आना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। भाई टाइम क्या हुआ? 6:15 हो गए। तो यार 6:15 हो गया, मैंने 6:30 बजे व्लॉग अपलोड करना, तो चलो वो भी करते हैं, कोई नहीं, तो चलते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो चलो यार, अभी ना मैं एक और ट्राई करने लगा हूँ, माइक की सेटिंग थोड़ी हल्की सी चेंज करके देता हूँ कि फ़र्क आता नहीं, ठीक है। पुलिस वाले रोक गए मेरे को। भाई जम्मू में भी बड़ा गलत सीन चल रहा है यार मोटर व्लॉगिंग को लेकर भाई। तो दोस्तों टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और व्लॉग भी अपलोड करना, और हम आ चुके हैं थोड़ा दूर, तो चलो पहुंच जाएंगे घर पे भी और व्लॉग भी अपलोड कर ही लेते हैं। तो यार बस मुझे इतना चेक करना है कि ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, तो होप कि अच्छी आ रही होगी, तो अगर नहीं आ रही होगी तो कल इसको चेक कर देंगे। तो बस यार इतना ही था आज के व्लॉग में, तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों टाइम आ गया इस ब्लॉग को एंड करने का, अगर वीडियो पसंद आएगी तो करना लाइक, जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ जल्दी। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ।